ड्रॉ टू यू बाई टेक्नोस पार्क ट्वेंटी सीरीज स्मार्टफोन ये मैं साथ साथ में पॉलिटिक्स में भी रहा साथ साथ में अपने बिजनेस को भी आगे करता रहा जब मैंने आर्थ की भट्टे तो भी लगाए भट्टा एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट रहा आप आपने तो खुद चलाए ट्रक खुद मैं ट्रक भी चलाया और लगभग मैंने यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि जब ड्राइवर लोग मतलब जो जो चक्कर पंद्रह दिन में लगाते थे वो चक्कर मैंने सात सात दिन में लगा ये बताओ कि मंदिर में कुछ भिखारी बाहर भीख मांगेंगे कुछ अंदर भीख मांगेंगे मांगेंगे सब भगवान के नाम पर भैया तो दोनों भिखारी हैं दोनों पुजारी हैं जो बत्तीस सौ पाँच जेब टीचर लगे थे उसमें एस सी एस टी और ओ बी सी के लोगों एस टी तो हमारे यहाँ हरियाणा में है नहीं लेकिन एस सी बी सी के लोगों की थी चौटाला ने वो लिस्ट फाड़ करके फेंक दिया और वो लोग लगा दिया जाते हैं जिन लोगों ने टेस्ट भी नहीं दे रख पास कर रखा था तो सैनी साहब आपने एक मैं आपका पुराना बयान पढ़ रहा था आपने कहा कि क्योंकि कई बार समाज के हिस्सेदारियों की बात होती है तो आप अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि हरियाणा में अगर जाट 10 से 12 फीसदी कोई ऊपर साबित कर दे या गिन दे तो मैं उसको करोड़ों रुपए इनाम दूंगा तो आपको लगता है कि नायब सैनी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे मेरे को को क्या लगता है पूरे प्रदेश लग रहा लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है सैनी साहब की आपको खड़गे जी के पास राहुल गांधी जी के पास लेकर कौन गया और बहुत से लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका पर इसमें सवाल उठा रहे हैं कि उनकी भूमिका इसमें है नहीं है मतलब ये रास्ता कैसे खुला कैसे गए आप नमस्कार स्वागत है आपका हरियाणा तक में और आज हम सैनी भवन में मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ राजकुमार सैनी जी हैं इनका नाम बीते कुछ दिनों से राजनीति में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है तो आज हम सैनी साहब के पास आए हैं इनसे बात करेंगे सैनी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा तक पे आज तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार हरियाणा तक या हरियाणा आज तक वो सभी को नमस्कार तो राजकुमार सैनी का जिस तरीके से मैं बता रहा था कि इन्होंने हाल ही में जाके इंडिया लाइन को अपना समर्थन दिया है राहुल गांधी और खड़गे वहां पर मौजूद थे तो क्या कुछ इस समय इनकी राजनीति है और साथ ही इनकी जो राजनीतिक यात्रा रही है उस पर भी बात करेंगे सैनी साहब सबसे पहले तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि कैसे आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई कहाँ आप पले बड़े किस तरह की एजुकेशन आपकी रही देखिए मैं एक भूमिहीन परिवार में पैदा हुआ और चार रुपए की बाल मजदूर मजदूरी मैंने कर रखी है उन्हीं परिस्थितियों का मुझे आभास है कि गरीबी होती क्या है और सन बासठ में हमारे बाबा जी की जो गिरदावरी थी हम नहान वाले राजा के मु, गैर गैरमरूसी मुजारे मु, थे अच्छा। वही जमीन हमें सरप्लस के तौर पर अलाट हुई और उसी जमीन वो सारी खंड उबड़ खाबड़ और दरिया बुर्द गैर मुमकिन ज़मीनें थी उनको फिर ठीक करके मैंने क्वालिफिकेशन भी साथ साथ चली और साथ साथ में उस ज़मीन को ठीक करने के लिए सात साल की उम्र में मैं हल जोतने लग गया था सात साल की उम्र में जब अपने पिताजी के पास रोटी लेके जाया करता था इतना वो रोटी खाते थे तो मैं बैल को हाँक करके हल चलाता था तो इस सारे सफ़र में मुझे परिस्थितियों से जूझने का बहुत ज़्यादा अनुभव रहा और फिर हमने एक जब वो ज़मीन ज़्यादा ऊंची नीची और बेचराग थी तो उसको ठीक करने के लिए एक पुराना ट्रैक्टर लेकर के हमने उसे ठीक करा करके उस अपनी ज़मीन को भी ठीक किया और लैंड लैंड लेवलिंग करके और बाहर लोगों के पास कराया कर करके हमने एक नया परचेजिंग सेंटर खुला उसमें आर्थ की दुकान बनाई अच्छा और उसके पश्चात आर्थ की दुकान करने के पश्चात सेलर लगाया फिर गाड़ियां ली पूरे देश का भ्रमण किया हरियाणा पंजाब को देख करके के पूरे देश की गरीबी को देख करके ऐसा लगा कि हम तो फिर भी जन्नत में हैं देश तो बहुत आज पीछे हैं हमारे से बहुत स्टेटें कमजोर हालत में हैं लेकिन मन में वो टीस रही कि अपने देश के लिए इन नेताओं ने क्यों कुछ नहीं किया बस उसी अभिलाषा में मैं ये था कि साथ साथ में थोड़ा बिजनेस में ध्यान दिया और गांव की पंचायत में सरपंच बन गया जबकि हमारे गांव के तो सिर्फ़ पचास बोर्ड थे दूसरे दो गांवों की बोर्ड थी एक की ढाई हज़ार बोर्ड थी एक की पाँच सौ बोर्ड थी और मैं दस किलोमीटर दूर से मतलब सरपंच जब बना तो मुझे बाहर राजनीति के बारे में लोगों से जब मेल जोल करने का मौका मिला तो काफ़ी सारे सरपंचों को मैंने अपनी बात कहने में जो है ना उनको उत्सुकता जगाई और फिर मैं उसी माध्यम से ब्लॉक समिति सदस्य बन गया नारायणगढ़ ब्लॉक समिति में और ऐसे ही चलते चलते फिर साथ में जैसे पंचायती राज के अंदर जो चीटिंग होती है वीडियो के माध्यम से अफसरों के माध्यम से और सरपंचों को जो काम करने का मौका फ्री फ्रीडम नहीं होती तो लोग जो है ना उसमें से आधी कमीशन अफसर लोग खा जाते हैं बस मैं कभी अफसरों के चुंगल में फंसा नहीं मेरा काम था मैं काम को अपने ढंग से मिनिमाइज जो पंचायती रेट था उससे भी निचले लेवल पर मैं जा कर के अपने जो पंचायती राज की ग्रांटें थी से पैसे बचा करके मैचिंग ग्रांट लेनी और उस बता इतने पैसे नहीं मिलते थे लेकिन ये सन त्रासी की बातें हैं और ऐसे चलते चलते जो है ना जब लोगों को अच्छा लगा तो मैंने अपने गांव की सारी गलियां पक्की की और पशु हॉस्पिटल और दो दो स्कूल और पंचायत घर हरिजन चौपाल लगभग जो गांव में फैसिलिटी जो चाहिए होती थी वो मैंने सारी की पर मैं मुड़कर फिर अपने काम धंधे में मैंने उसी वक्त एक भट्टा लगाया और भट्टे के माध्यम से मेरी सरपंचों से उधार नगद इंटेंट देने का जो मतलब रिलेशन रहा तो उसी बलबूते चलते चलते मैं बंसीलाल की पार्टी में जबकि बंसीलाल ने तो मेरे को रिफ्यूज कर दिया था कि मैं टिकट नहीं दूंगा। अच्छा। लेकिन मैं बंसीलाल की पार्टी से लोगों को भेज भेज करके दिए हुए टिकट को मड़वा दिया और मैंने अच्छा। टिकट ले लिया और मैं उधर के छः जिलों में हम दो ही विधायक थे एक जिगादरी से एक नारायणगढ़ से और ढाई तीन साल तक उस व्यवस्था को भी हमने देखा है कि जब मुख्यमंत्री पावर को सेंट्रलाइज करके एमपी पी को एम को ऐसा मंत्री होते हुए भी ऐसा समझते हैं कि जैसे ये हमारे मज़दूर या यूँ कहूँगा कि ये हमारे गुलाम हैं तो उस परिस्थिति से हम पांच छः बर्तियाँ देखने के बाद आपके उधर से नरबीर भी था राव नरबीर भी और हम भी हम कई बार विरोध करते थे और कोसली से धर्मवीर था उन सब ने हमने मतलब ज ना काफ़ी प्रयास किया मुंशी लाल को समझाने का लेकिन उसकी आदत है कि मैं ही ईमानदार हूँ बाकी के सब लोग तो मतलब ज गए गुजरे हैं तो लेकिन लोग चिटिंग करते भी हैं लेकिन मैंने शुरू से आज भी मैं सरकार के खिलाफ जो है ना जो जनता की समस्याएं हैं उनको उठाता हूं मैं सरकार का विरोध नहीं जनता की समस्याओं को उठाता हूं लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो राजनीतिक सेटअप है वो गूंगा हो गया अच्छा। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा भूमिहीन परिवार में पैदा हुए लेकिन उस भूमिहीन परिवार में पैदा होने के बावजूद आपका सरपंची तक का सफर उसके बाद आप ईट बट्टे के कारोबारी बने फिर आप विधायक भी बन गए क्यों लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई भूमिहीन परिवार में पैदा हुआ है या फिर जिस कास्ट की वहां पर डोमिनेंस नहीं है तो आपके लिए रास्ता इतना आसान कैसे होता चला गया इसके पीछे बहुत मतलब कटु अनुभव है मैं ये कह सकता हूं कि मैं साथ साथ में पॉलिटिक्स में भी रहा साथ साथ में अपने बिजनेस को भी आगे करता रहा जब मैंने अर्थ की दुकान खोली तो तुरंत सेलर भी लगाया फिर साथ में भट्टे भी लगाए भट्टा एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट रहा और जब बाहर देश को देखने की मंशा से मैंने ट्रक लिए ट्रकों से मैं पूरे देश का भ्रमण किया मैंने छः सात ट्रक एन परमिट के रखे हुए थे पूरे देश को देख रखा पूरे देश की स्थिति को बहुत नज़दीक से देखा आपने खुद चलाए ट्रक खुद मैं ट्रक भी चलाए और लगभग मैंने यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि जब ड्राइवर लोग मतलब जो जो चक्कर पंद्रह दिन में लगाते थे, थे वो चक्कर मैंने सात सात दिन में लगा दिया गुवाहाटी अरुणाचल प्रदेश और तिनसुकिया और इधर कहाँ मतलब जो है ना ये आसनसोल और कैलकटा और इधर जो है ना बेंगलोर और कर्नाटका के सारे लगभग पूरे मेरे पास सारे परमिट थे तो मैं अनुभव के तौर पर यह कह सकता हूँ कि वर्ड इंपॉसिबल कैनॉट बी फाइंड द डिक्शनरी ऑफ शेक्सपियर कोई चीज असंभव दुनिया में नहीं है असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है लेकिन जब आदमी मन के हारे हार है मन के जीते जीते जब आदमी मन से हार जाए अभी भी लोग बहुत कहते हैं अगर हम ये कहें कि अपने बिजनेस को मैंने सबसे पहले ट्रकों से लोगों का कूड़ा फेंकने का, का काम किया भूसा चूड़ा उससे मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई वायर बनाने की उस फैक्ट्री से आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूरे देश में अगर ज़्यादा नहीं मैं कहूँ तो हर चौथा पाँचवा सिलेंडर हमारी कंपनी का बनाया हुआ साबू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में चार यूनिट एंगल चैनल सरिया बनाने के हैं और चार ही यूनिट हमारे पास जो है ना एलपीजी के सिलेंडर बनाने के हैं ये सफ़र तो है इंडस्ट्री का और गांव की पंचायत से पंच सरपंच ब्लॉक समिति जिला परिषद एमएलए, मंत्री एमपी, पी ये सफ़र है जिसमें कोई सीढ़ी ब्रेकअप नहीं है तो इस सीढ़ी से अनुभव लिया और ये सीखा कि समाज के लिए अगर आप काम करोगे मैं कहीं भी गया ये तो मुझे गोहाना में भी लोगों ने इकट्ठे होकर के सारी वोटा एक आदमी को डाल करके हराया नहीं मैं इनसे हारने वाला थोड़ा परिस्थितियों से जूझना और सच बात कहना बस मेरा ध्येय हमेशा एक ही रहा कि जो आम जन है जिसके ऊपर सारी पार्टियां भाषण देती हैं मतलब किसानों को किसान 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 मजदूर नारी उत्थान ये लुभावने वायदे और मतलब जो है ना बड़े मतलब चटकार चटकारे ले लेकर के नेता लोग बोलते हैं हम पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी भी 2014 में कह रहा था कि भाई हम सब के लिए काम करेंगे सबका साथ सबका विकास ये सबका साथ सबका विकास इस सतहत्तर साल की आजादी में पूरा बैकवर्ड समाज अभी तक बावन परसेंट लोग सिर्फ ग्यारह पॉइंट तेईस परसेंट की हिस्सेदारी में है और हरियाणा में बैकवर्ड समाज अभी बारह परसेंट की हिस्सेदारी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ पूरा हरियाणा जल के राख हुआ मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि जो लोग आरक्षण मांग रहे हैं कहीं पटेल मांग रहे हैं कहीं कुर्मी मांग रहे हैं कहीं पर जाट मांग रहे हैं कहीं राजस्थान में गुजर मांग रहे हैं तो भाई अब सबको 100 परसेंट आरक्षण कर दो ब्राह्मण बनिया ठाकुर उनको भी साथ लो जनसंख्या के जनगणना करो और सबको आरक्षित करके सबके हिस्से सुनिश्चित कर दो बताइए इसमें आपत्ति क्या है और हम किसके विरोध में बोल रहे हैं हमने कहा सौ परसेंट आरक्षण कर देते हैं लेकिन इस सफ़र में मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला जहाँ पर एक बहुत ही गरीबी से निकल करके एक इंडस्ट्री तक जाने का सफ़र है उसमें पूरे देश का भ्रमण भी है और पूरे देश की राजनीति भी है और पूरे खेत में हल जोतने का भी अनुभव लिया बाल मजदूरी करने का भी अनुभव लिया एक इंडस्ट्री चलाने का भी अनुभव लिया और पॉलिटिकल में सरपंची से लेकर के एमएलए मंत्री और एमपी तक का भी अनुभव लिया सभी जगह एक देखा कि दबते को दबाया गया और जो हमारा बैकवर्ड क्लास है शेड्यूल कास्ट में तो फिर भी थोड़ा बहुत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से कुछ रिजर्वेशन की वजह से या मतलब जो अनाफसर साहिब में उनकी हिस्सेदारी की वजह से उनके हकों पर डाका तो वहाँ भी पड़ा मान के सम्मान के बावजूद अपमान के घूट पीने पड़े लेकिन बैकवर्ड के साथ जो ठगी हुई जिस तरह से देश के अंदर उनको पिछाड़ा गया हर पार्टी ने जो है लोगों को लोग लुभाने वायदे दिए आपके घर में एक एक नौकरी भी दी जाएगी दो पीछे 2014 में तो बीजेपी ने कहा कि हम दो करोड़ नौकरियाँ दे देंगे कि, किसानों की आमदन समर्थन मूल्य 50 परसेंट का मुनाफा जोड़ करके समर्थन मूल्य देंगे आमदन डबल कर देंगे बाहर से काला धन ले आ करके आपको जो है ना दस दस पंद्रह पंद्रह लाख रुपये आपके खाते में आ सकते हैं वगैरह वगैरह भ्रष्टाचार पर महंगाई पर अंकुश लगा देंगे तीन सौ का सिलेंडर मिलेगा साढ़े चार सौ की जगह आपको जो है पचहत्तर वाला पेट्रोल पैंतीस रुपये में मिल जाएगा ना जाने कितने वायदे हैं लेकिन उन वायदों में से कोई वायदा पूरा ना करका दूसरा इलेक्शन बीजेपी ने नेशनल इमोशन के माध्यम से पुलवामा करके जीता और अभी मंदिर के नाम से जीतने का प्रयास किया जा रहा है बस हम ये पूछना चाहते हैं मित्रों ये बताओ कि मंदिर में कुछ भिखारी बाहर भीख मांगेंगे कुछ अंदर भीख मांगेंगे मांगेंगे सब भगवान के नाम पर बाहर भी कहा भगवान के नाम से भैया कुछ दे दे अंदर भी कहा का भगवान के ऊपर कुछ चढ़ा दे भैया तो दोनों भिखारी हैं दोनों पुजारी हैं हमारे देश में वो बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ गया वो मुद्दे कहाँ गए जिससे नारी सशक्तिकरण होना था मैं यादव साहब बस इतना कुंठित हूँ इन बातों से कि मुझे इस सफर में राजनीतिक सफर में हर किसी से ठोकर मिली बंसी लाल के साथ जब सारे लोग विधायक नाराज थे मैं दो बार उसकी सरकार बचाई लेकिन आफ्टर ऑल फिर भी उसकी बेटी को मैंने कह रखा था कि भले कोई आपसे भागे लेकिन मैं आपकी सरकार को तब तक नहीं खिलाफ करूँगा जब तक आपकी सरकार गिर ना जाए तो ये सारे जो पंद्रह सत्रह लोग इकट्ठे हो गए और जिसमें सारे विधायक नाराज थे क्योंकि पांच भर्तियां देखने के बाद हमने देख लिया कि बैकवर्ड के ढाक के तीन पात वही दस परसेंट है तो लोग सारे नाराज हुए तो वन बाय वन करके सारे के सारे उससे हटें बंसीलाल फिर मेजोरिटी सीख करने के लिए विधानसभा नहीं जा सका उसको हटा करके फिर अगली सरकार चौटाला की बनी अगली सरकार में भी हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर और वही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाए गए लेकिन वहाँ भी हमने देखा कि जब 70 परसेंट मेरिट जो बत्तीस सौ पाँच जेब टी टी लगे थे उसमें एस सी एस टी और ओ बी सी के लोगों एस टी तो हमारे यहाँ हरियाणा में है नहीं लेकिन एस सी बी सी के लोगों की थी चौटाला ने वो लिस्ट फाड़ करके फेंक दिया और वो लोग लगा दिया देखे ज्यादा जिन लोगों ने टेस्ट भी नहीं दे रख पास कर रखा था जब वो लोग लगाए तो फिर क्या हुआ हमने विरोध किया तो चार मुकदमे बना दिए और उन मुकदमों से दुखी होकर के जब हम उससे हटे क्योंकि मुकदमे बना दिए उसके अंदर करने की मंशा होगी और हमने उसको छोड़ दिया चार साल तक उसने हमें मतलब जो है ना जमीन पे पैर नहीं लगने दिए एक स्थिति ऐसी है कि हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारे कागज़ जो बच्चों ने टेस्ट पास कर रखे थे वो मीडिया के सामने रख दिए उसमें बासठ आदमी अंदर गए थे अफसर और साथ में गया था ओम प्रकाश चौटाला वो दस साल की सजा काट के आया लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कितने लोगों से लड़ेंगे फिर भजन लाल के साथ लगे भजन लाल के पीछे मैंने 200 सौ दो सौ पीछे लगाई लेकिन भजन लाल मेरी मिली हुई टिकट 2005 में कटवा के आया कि ये फिर उन लोगों के लिए बैकवुड बैकवुड करेगा इसको यही निपटा दिया जाए फिर मैं घर कह के आया था मगर जिस दिन भजन लाल जी अब दोबारा आप सत्ता में जाओगे उस दिन ओथ लेंगे मुख्यमंत्री की उस दिन मैं भी देखूंगा बंसीलाल लाल ऊपर गया छोटाड़ा जेल गया भजन लाल ने अलग पार्टी बनाई फिर ऊपर गया और निपटा तो हमने चौथा लाल भी दिया था मनोहर लाल लेकिन उसी के लोगों ने उसको समर्थन दे दिया आपने शोषितों की बात करी ओबीसी का उदाहरण दिया कि बैकवर्ड की नौकरियों में हिस्सेदारी कितनी है जनसंख्या का अनुपात में आंकड़े दिखाए लेकिन सबसे पहले मैं सरपंच के इलेक्शन में पे वापस लौटूंगा क्योंकि गाँव में अगर सरपंच का इलेक्शन जो होता है सबसे पहले तो कास्ट वही मैटर कर जाती आप कैसे सरपंची जीत गए इतनी आसानी से देखिए हमारे गांव में जिस गांव की ज्यादा वोट है लगभग वो 2500 के करीब उसमें चार लोग खड़े थे वो चारों लोग गांव के लोग कंप्रोमाइज कराने का पूरा प्रयास कर रहे थे लेकिन वो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था आता आहिस्ता तीन लोग एग्री हो गए लेकिन एक आदमी कहा भाई चाहे मांग के दे दो और चाहे इलेक्शन लड़के दे दो लेकिन सरपंच मैं बढ़ूँगा अच्छा तो इस पर मैं भी तमाशा देखने के लिए गया था क्योंकि मेरे गाँव की तो सिर्फ सेवेंटी वोट थे मतलब पचास और सत्तर ऐसे है वोट हमारे गांव के दस बीस आदमी बाहर रहते थे मौके पर पचास वोट थे तो उस वक्त हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं था कि हम वहाँ पर सरपंची लड़ने गए थे लेकिन मेरे पिताजी या दादाजी का जो लोगों की आओ बैठ का वैल्यू था वो उस गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा था तो मेरे दादाजी का नाम बहुत उसके नाम से वो गांव भी मतलब जो है ना बोलता है तो लोग हैं भाई हरनामे के पोते को ही फिर ये इसी को खड़े कर दो अगर ये नहीं मानते तो इसी को खड़ा करो मैंने कहा भाई मैं तो सिक्योरिटी के पैसे भी नहीं ले रहा बोले हम आप भरेंगे सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी भी क्या थी पच्चीस रुपए थी उस बार तो सिक्योरिटी भी उन्होंने नहीं भरी और इलेक्शन जब मतलब ना स्टार्ट हुआ तो समझो उसी वक़्त ये इलेक्शन भी डायरेक्ट होने शुरू हो गए थे मतलब सभी की से। वोट से हाँ गाँव पूरा वोट करता था तो तीन गाँव की पंचायत थी तो उस आदमी को जो आदमी जिद कर रहा था उसको 200 ही वोट पड़े ढाई हजार पंद्रह ढाई हजार सताईस सौ वोटों में से ढाई हजार की पोलिंग हुई बत्तीस सौ में से और उसको सिर्फ वोट पड़े दो सौ तो एक तरफा फिर लोग लगे कहने लो भाई हमने अपनी जिद्द तो पूरी कर ली कि हमने गांव की सरपंची दस किलोमीटर दूर निकाल दी अब लोग दुखी हों या सुखी हों ये तेरी जिम्मेवारी मैंने कहा जी मेरे गांव से अगर तो सड़क से घूम के आएंगे दस किलोमीटर है अगर सीधा जाएंगे तो दो किलोमीटर है मेरे खेत भी उधर पड़ते हैं मैंने कहा भाई मैं हर रोज़ आया करूँगा आपके गांव में बीच में नदी पड़ती है और नदी में से होकर के मैं जब अपने खेतों में जाता तो वहाँ रोज पंचायत अगर में जाता था और यह कॉन्टिन्यू मैं साल में अगर तीन सौ पैंसठ दिन हो तो मैं ढाई सौ दिन कन्फर्म मतलब उस गाँव की पंचायत में बैठा लोगों ने दोबारा फिर कहा कि अभी आपको यूनैनी बनाएंगे आप सरपंच जी मैंने कहा भाई ये मेरा बिजनेस नहीं है अब मैं दोबारा मैं तो ब्लॉक समिति सदस्य ही बना दिया और मैंने अपने गांव का वोट भी लिया और लोग बनाए थे और दूसरी पंचायत से मैंने वोट लिए थे उस वक्त पंचों सरपंचों की वोट पड़ती थी लेकिन बहरहाल मैं बस इतनी बात कह सकता हूँ कि प्यार जो है वो मैंने बहुत पाया किसी भी सीट पर आज यहाँ नारायणगढ़ आमैं इंडिपेंडेंट दो बार लड़ा आज भी अगर मैं इस प्यार की बात कहूँ तो चाह सत्रह दिसंबर को जेंद के अंदर एक सैणी समाज का एक सेणी सम्मेलन हुआ वो बीजेपी के लोग करवा रहे थे लेकिन मैं उस प्रोग्राम में अनविलिंग था कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ क्योंकि प्रोग्राम बीजेपी का है लेकिन सारे पसे से लोगों का प्रेशर था कि राजकुमार सैनी आ रहा है या नहीं आ रहा वो आएगा तो हम आएंगे तो फिर मुझे सभी को कहना पड़ा कि भाई ठीक है मैं आऊँगा समाज का मामला है तो मैं आ जाऊँगा भले कोई पार्टी कर रही हो तो मेरी सिर्फ नौ मिनट की स्पीच है और जब मैं बीच में से गया तो पूरा पंडाल एक वो सारे बीजेपी के लीडर बैठे रह गए पूरे पंडाल का रुतबा एक साइड था तो वहाँ मीडिया भी थी और पूरी बीजेपी भी, भी थी पूरे प्रदेश के लोग थे तो महज इतफाक उसका मैसेज तो गया कि भाई चाहे तुमने प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को बना रखा लेकिन आज भी राजकुमार सैनी के साथ लोग क्यों हैं क्यों मैं इस ओ के पीछे जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो मैंने इतना भर कहा था कि भाई आज अगर देश के अंदर प्रदेश के अंदर मतलब ताना मतलब तनाव है तो क्यों ना ये जो मैंने पहले कहा अब भी यही बात कह रहा हूँ तो क्यों ना ये सौ परसेंट आरक्षण हर जाति को दे दिया जाए इतना कहने से भी लोगों ने मेरे ऊपर इतने आरोप लगा दिए जातिवादी फलाना दमकाना अरे जातिवादी तो वो करके जिन लोगों ने अभी तक शासन कराया इसमें हम कहाँ हैं कोई एक परसेंट कोई दो परसेंट इस जाति पाति को करने वाले लोग आरोप उसमें लगाते हैं जो इंसाफ मांग ले बस यही मेरा दोष है कि मैं हर किसी के इंसाफ की बात कही है लेकिन मेरे साथ हुआ क्या मुर्गा सुबह सवेरे सबको जगाता है शाम तक उसकी गर्दन पे छुरा चल जाता है लेकिन आपने बीजेपी का जिक्र करा तो सैनी साहब फिर आपका जो अभी का माइंड सेट है अब जिस विचारधारा के साथ आप काम कर रहे हैं और फिर हम पीछे देखें कि जब आप भाजपा के सांसद होते थे या जब आप भाजपा में आए तो ये दोनों चीजें तो कहीं मिल ही नहीं खाती भाजपा से कैसे आपका मिलन हुआ फिर मेरे पास रामचंद्र जांगड़ा जी गए उसने कहा भाई अब उस वक्त अब बलबीर सैनी इतफाक से बीजेपी का गिरते ग्राफ को देख करके भाजपा छोड़ करके अलग हो गए क्योंकि बीजेपी में पंद्रह पंद्रह सौ दो दो हजार एक हज़ार वोट पड़ती थी जमातें जब तो थी तो कोई बीजेपी का नाम लेना नहीं चाहता था रामचंद्र जांगड़ा मेरे को कहने लगे बोला यार चलो इकट्ठे होकर के इसी पार्टी को उठाते हैं हरियाणा में तो ये कभी चौटाला के सहारे कभी मुंशी के सहारे चलती थी मैंने कहा भाई यार चले तो सही लेकिन यहाँ सिर्फ मतलब अपर कास्ट के लोगों का प्रभाव है हमारी कोई बात यहाँ चलेगी नहीं बोले नहीं हम इसमें काम करेंगे अपना अस्तित्व बनाएंगे ये बात पहले झगड़ा जी क्या आपने हाँ ये तो मैंने बीच में जाने से पहले ये बात टोक दी थी कि यार यहाँ जो है ना आरएसएस के लोगों का प्रभाव है और वो हमारी बात को ज़्यादा चलने नहीं देंगे लेकिन उसके कहने से क्योंकि वो भी अपना बैकवर्ड भाई था मह रामचंद्र ने प्रस्ताव रखा और बलबीर सैनी छोड़ के चले गया ये दो दिन के अंदर अंदर का ही मैटर है वो दो दिन पहले चले गया मैं दो दिन बाद इस पार्टी में ज्वाइन करने लगा तो कुछ लोगों ने मतलब जो है ना वहाँ के जो प्रभारी है या मौजूदा मुख्यमंत्री है इसके नज़दीक में रत्नलाल कटारिया होते थे उसके माध्यम से विरोध करा दिया अच्छा। मैंने कहा भाई मैं तो पहले ही नहीं जाना चाह रहा था लेकिन फिर मतलब जो है ना कई आदमियों का दबाव आया बोले यार चलते हैं काम करेंगे और अपनी जगह बनाएंगे फिर मैंने जब पार्टी ज्वाइन कर ली उसके बाद अगर कोई आदमी खड़ा किसी से बात कर रहा है या कहीं मतलब खड़ा पेशाब भी अगर कर रहा है, तो हमने उसके पीछे भी पोस्टर चमका दिया इतने पोस्टर युद्ध चलाया मतलब इतना प्रचार कराया हर पोल खम्भे पेड़ के ऊपर हमने बीजेपी का हर दरों दीवार के ऊपर बीजेपी बीजेपी कर दी लोग फाड़ते भी थे उन पोस्टरों को हम उत्ते, उससे दो गुणे ज़्यादा लगा देते थे बस इस सारे एपिसोड में जब चुनाव आया 2014 का तो मैंने कंडीशन रखी रामलाल जी उस वक्त बन गए थे अध्यक्ष तो मैंने कहा रामलाल जी अगर मेरा टिकट आप पहले घोषित करा देंगे तो फिर मेरे रिश्तेदार भी चौटाला पार्टी से टिकट लाने वाले हैं तो फिर मैं उनको रोक दूंगा अगर उनका हो गया तो फिर मैं लूँगा इतफाक से उनका टिकट की घोषणा होगी और मैंने जवाब दे दिया लेकिन मैंने मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रखी थी और लोगों की तरफ से इन्होंने वो भी कर रखा था वेरीफाई भी कराया हुआ था तो उसकी सारी जांच करने के बाद इन्होंने मेरे को जवाब देने के बाद मेरा टिकट अनाउंस कर दिया तो फिर लोग कहने लगे कि ठीक है लड़ें कुरुक्षेत्र से, से, कुरुक से लड़े तो उस लेबर के मुताबिक हर दरो दीवार तक मैं भी गया कुछ मोदी के दीवाने थे लोग और कुछ अपनी लेबर अच्छी थी यूं तो तीन सीटा इनके बड़े बड़े मेन मेन आदमी हार भी गए थे लेकिन लेबर वाले सारे निकल गए थे मैं जब बीजेपी में आठ महीने ही हुए थे आठ महीने पीछे ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसले के पीछे बीजेपी ने सरेंडर किया तो मैंने बीजेपी को छोड़ दिया कि अगर हमारे पक्ष में ओ के पक्ष में आप लोग कोई फैसला ले ही नहीं सकते तब हम ऐसे नपुंसक लोगों की सरकार में रह करके क्या करेंगे अगर जिस इंसाफ के लिए हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं अगर इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता तो फिर अपन कैसे साथ दें आपका बस इससे बीजेपी आठ महीने बाद मैंने छोड़ दी लेकिन बीजेपी आखिरी दम दिन तक मैंने हर टीवी चैनल पर बैठ गया कहा मैंने बीजेपी छोड़ी क्योंकि ये बहुत लोग ग्रेडी स्वार्थी और झूठ बोलने वाले लोग हैं हम इनके साथ काम नहीं करेंगे लेकिन मेरे इतने वक्त में बाद भी बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया मुझे निकाल नहीं पाए इनको था कि ओ के लिए चौबीस घंटे काम करता है कहीं लोग इसके साथ ना भाग जाए दो में मैंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद मैंने नगर निगम चुनाव भी लड़े और बाई इलेक्शन भी लड़े और लोकसभा विधानसभा भी दोनों लड़े अच्छा 2018 से पहले 2016 का कर जिक्र करूंगा जाट आरक्षण आंदोलन हुआ प्रदेश में हिंसा हुई कई तरह के इंसिडेंट हुए आप उस समय बड़े चर्चा में रहे आपके मैं पुराने बयान भी सुन रहा था तो आपके ऊपर से हिंसा भी आरोप लगता है और अभी भी कई लोग उस घटना का जिक्र जिक्र कर रहे हैं जब आपने इंडिया अलायंस को समर्थन दिया है कि भाई ये वो आदमी है जिसने प्रदेश में जहर घोड़ा और आज कैसे कांग्रेस इसका समर्थन ले रही है देखिए मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोपों से कभी भी हाथ नहीं होता हमेशा कमज़ोर तबके से अगर कोई किसी की सहायता करने के लिए जाएगा तो वो पिट जाता है मतलब ये कहावत है हरियाणा में कि माड़े का हिमायती जूते खाता है बस मैं उन लोगों की आवाज़ हूँ जो लोग मोख बधिर हैं बेजुबान हैं जिनका सत्शासन सत्ता में कोई वर्चस्व नहीं है यही आरोप इसी वजह से मैं क्यों बोल रहा इनके पक्ष में इतना ही मेरा दोष है जबकि मैंने तो ये कहा कि भाई अगर एस्टेब्लिश लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है तो क्यों ना आरक्षण 100 परसेंट कर दिया जाए इस शब्द के अलावा अगर कोई भी शब्द किसी जाति को लेकर के मेरी जुबान से कोई प्रेस विज्ञप्ति जो मैंने भेजी हो कोई पोस्ट कोई ऑडियो वीडियो अगर कोई साबित कर दे तो मैं उसके जूते में पानी पीऊंगा लाए मेरे सामने कि मैंने क्या बोला बोला मैंने कुछ भी नहीं मैंने इंसाफ की बात की लेकिन बीजेपी ने एनकैश करने के लिए जाटों के ऊपर वो सारा उनका क्योंकि वो थोड़ा प्रभावशाली ढंग से हरियाणा में तनाव चल रहा था और बीजेपी उसको कैश करना चाहती थी पैंतीस एक का नारा बीजेपी का है उसको कैश करने वाली बीजेपी है और आज भी बीजेपी वही काम कर रही है कि जब तक वरिंदर सिंह हिसार से अपना बेटा निकल करके कांग्रेस में नहीं गया तब तक बीजेपी कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठी हुई है जैसे ही वो पार्टी छोड़ करके जाते हैं कांग्रेस में बस फटाक से मौका मिलता है इतनी देर में मेरी आवाज उठी कि सोनी बस से चुनाव राजकुमार सैनी कांग्रेस की सपोर्ट से लड़ सकता है इन्होंने देखा कि वो सीन देख रखा था जींद वाला कि कहीं ये लोग राजकुमार सैनी के साथ जा के और कांग्रेस के साथ खड़े हो गए और अपनी दसों की दस सीटें हार जाएंगे इतनी देर में पांच निशाने एक तीर से साध दिए इनडोर मीटिंग हुई पहला निशाना ये दुष्यंत को समझाया कि आपका मुद्दा विधानसभा है विधानसभा में हम आपसे अलाइंस करके चुनाव लड़ लेंगे अभी लोकसभा में आप सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के जाटों के वोटों का डिवीजन करो आप कहो कि हमारे साथ बीजेपी ने धोखा किया है इमोशनल कार्ड खेलो पहला निशाना दूसरा मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्पेंसी कि हर आदमी दुखी किसान मर गए यहीं यहीं कुंडली बॉर्डर और इधर भाद्रगढ़ में और अभी शंभू बॉर्डर पे हजारों किसान उनकी हत्या हुई किसान नाराज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जद्दोजहद पूरे देश में सबने देखी वन रैंक वन पेंशन के खिलाफ आज भी लोग खड़े देश के अंदर वर्ग में उतना ही रोष है कि वह नौकरियाँ कहाँ गई जिनकी दो करोड़ मिलनी थी देश में तो हरियाणा में भी कहीं दस दस परसेंट तो आनी थी जो बेरोजगार है वो युवा बच्चे भी नाराज कर्मचारी भी नाराज और सफाई कर्मचारी भी नाराज और सरपंच भी नाराज क्योंकि उनको ई टेंडरिंग दी पैसा माल खाया अफसरों ने और जो सरपंच ही लड़े उनके हाथ बल्ले कुछ लगे नहीं वो भी सारे गुस्से में अब क्या करें कि इसे हटाओ लोकसभा चुनाव आ गए उसका बहाना लेकर के इसे तो भेज दो वहाँ और राजकुमार सैनी का इलाज करने के लिए सबसे बड़ा धड़ा जो है वो बैकवर्ड के अंदर है। हर विधानसभा क्षेत्र में पाँच हज़ार से चालीस हजार तक की वोटें हैं कहीं पाँच हैं तो कहीं सात हैं कहीं दस हैं ये कहीं बीस हैं और कहीं तीस और पैंतीस चालीस भी हैं तो ये, इस, इस वोट बैंक को सबसे बड़ा धड़ा इसमें राजकुमार सैनी काम कर रहा उसके आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच दें कि लो भाई मुख्यमंत्री की तुम लड़ाई लड़ते थे कि बैकवर्ड में कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनाया लो हमने बैकवर्ड का मुख्यमंत्री तुम्हारे समाज से बना दिया बैकवर्ड वोट बैंक सदे उससे सीनियर तो जो है ना चार आदमी और बैठे थे अनिल विज और ये मतलब चलो वो तो जनरल कैटेगरी से थे लेकिन रविंद्रजीत तो कृष्ण पाल कंवर पाल ये भी सीनियर बैठे थे लेकिन सबसे जूनियर नए भी क्यों क्योंकि राजकुमार सैणी का इलाज करना है तो इसलिए मुझे इतनी खुशी हुई जो मैं पिछले सताईस ठाई साल से इस शिशु पे काम कर रहा था धन्य हो मैं गया बीजेपी को कम से कम इनको बहुत जल्दी अकल आ गई अभी अकल अभी तक इनको अकल नहीं आई थी लेकिन इनको ये तो पता लग गया कि बिना बैकवर्ड के अगली सरकार नहीं बन सकती मैंने बीजेपी का भी धन्यवाद किया और बनने वाले माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद इसलिए किया कि किसी ने तो उस बात को अडॉप्ट किया अब ये दो निशाने इसमें पहला निशाना दुष्यंत वाला तीसरा दूसरा निशाना खट, मनोहर लाल खट्टर वाला तीसरा निशाना मुख्यमंत्री बनाना चौथा निशाना राजकुमार को धराशाई करना और पांचवा निशाना था उसी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर फैसला आया था कि वो नेशनल इशू ना बन जाए अखबारों की हेडलाइन ना बन जाए वो हरियाणा के बड़े राजनीतिक फिर बदल में वो खबर खुश होगी इतने रणनीतिकार हैं लेकिन अभी तक हम हाशिए पे हैं मोदी जी श्वेत पत्र जारी करें कि इस ओबीसी को देश में आप बैकवर्ड क्लास का फेस बन के आए 2019 से पहले आप जनरल कैटेगरी में थे आपने अपनी जाति ओबीसी में डाल ली और उसके पश्चात आपने ओबीसी के लिए क्या किया मैं बस यही पूछना आपसे चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपने ओबीसी के कितने आई एस आई पी एस लोगों को सही पोस्टिंग दी आपके पी एम ओ में कितने लोग हैं ओ बी सी के और वो किस किस हैसियत के ऊपर बैठाए आपने कितने राजदूत बाहर भेजे आपने यूनिवर्सिटियों में कितने वाइस चांसलर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर लगाए एक अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर प्रमोट नहीं हो सका जो 10 परसेंट कच्चे प्रोफेसर लगते हैं उनमें से एक भी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सका, जिनमें मेरी बेटी भी है बस मैं ये बात आपसे प्रधानमंत्री जी पूछना चाह रहा हूँ आखिर आप मुखोटा लगा करके ओबीसी का इनको ठगने के लिए आपने तीन तीन चालें चल दी कभी आप इमोशनल कार्ड देश के नाम खेलते हैं हम जितने सर काटेंगे उतने काटेंगे इतनी जमीन दबा दी यही कार्ड आज आप धर्म के नाम पर अरे वो तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और आप कह रहे अधूरे मंदिर का निर्माण करके राम हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे वो तो जितने बैकवर्ड के लोग थे वो सारे बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले वीना कटियार हुआ भारती कल्याण सिंह ये कहाँ हैं आजकल अभी तो शिवराज पाटिल भी शिवराज चौहान भी था वो भी सारे ये सारे कैलेंडर बना के आपने टांग दिए नए नए कैलेंडर आप दिखा रहे हो लोगों को बस मुझे इतना बता दे कि आपने हिस्सेदारी क्या दी है ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है जुडिशरी में हम लोग कितने हैं यूनिवर्सिटियों में कितने हैं अन्य संस्थानों में हम कितने हैं बाहर विदेशों में राजदूत कितने हैं या शासन प्रशासन में तीन लाख तरतालीस हजार अफसरों की सेंटर की एक टीम है उसमें हम कितने और कहाँ कहाँ हैं एक श्वेत पत्र जारी कर दें ताकि हमें पता लग जाए कि आपके आने से हमें बहुत लाभ हुआ अन्यथा मेरे बैकवर्ड भाइयों आप सोच लो जो छलने वाले लोग होते हैं वो बड़े मीठे और लुभावने वायदे करते हैं और ये वायदे हम सुनते सतहत्तर साल हो गए अगर अभी तक भी आपका आँख नहीं खुला तो फिर लोग आपको ऐसे ही ठगेंगे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोगों ने कि क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से पार्टियों की वजह से अब कांग्रेस जब बहुत दूर आपने छोड़ दी तो कांग्रेस ने आज ओबीसी की बात उठाने का जो पहल की है कि हम जाति के जनगणना कराएंगे और संख्या के आधारित सब का हिस्सा सुनिश्चित करेंगे हर संस्थान में हर शासन प्रशासन में तो लगभग 32 पार्टियां मैंने पहले कांग्रेस में ज्वाइन कराई हैं और तीन दिन के अंदर अंदर लगभग 50 के करीब पार्टियां और कांग्रेस को समर्थन बिना शर्त समर्थन देने जा रही हैं कि किसी ने हमारी बात को कहा तो मोदी ने भी था मोदी देख लिया अब उसे हटाना और दूसरी पार्टी जिसने बहुत लंबी देर तक राज किया अब वो कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से करेंगे वो दो हजार चौबीस का चुनाव है दो हजार चौबीस के बाद अगर उनकी सत्ता तीयर नहीं करेंगे तो दिन भाई उन्नति भी आएगा हमारा मकसद है देश के संविधान को लागू करने का और संविधान को लागू करके संविधान के अनुरूप लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं स्वार्थ के लिए राजनीति की भूख के लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ता अच्छा सैनी साहब आपने एक मैं आपका पुराना बयान पढ़ रहा था आपने कहा कि क्योंकि कई बार समाज की हिस्सेदारियों की बात होती है तो आप अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि हरियाणा में अगर जाट दस से बारह फीसदी कोई ऊपर साबित कर दे या गिन दे तो मैं उसको करोड़ों रुपये इनाम दूंगा मैंने मित्रों आप सभी के जो बयान हैं उसमें जातिगत जनगणना का जब मैंने हवाला दिया है मैंने अगर कुछ कहा होगा तो सोच विचार के कहा होगा परंतु अगर किसी को ये बात बलफ लगती है तो अब कांग्रेस पार्टी कह रही है हम के जनगणना करेंगे आज भी उसी बात का तो पक्ष ले रहे हैं हम नहीं जैसे एक आंकड़ा तेईस बाईस से चौबीस परसेंट का दिया जाता है कि इतने परसेंट जहाँ हरियाणा में आप दस बारह परसेंट का आंकड़ा कहाँ देखिए बीस कंस्टिटुंसियों में चाहे तीस परसेंट कर कल इरवाल में कहा मेवात में कितने उत्तर हरियाणा में कितने पंचगुल्ला और इधर कालका हमारे नरेंद्रगढ़ फिढ़ौरा जो मतलब जो सत्ता पक्ष होता है वो हमेशा कुछ भी कह दे वो बात सच मानी जाती है अगर कोई न्याय और इंसाफ की बात करे तो वो सत्ता में बैठे लोगों को बड़ी अटपटी और मतलब चुबन दे देती है मैंने कभी भी सत्ता को इस एंगल से चैलेंज नहीं किया कि भाई मैं ये सबूत ये सबूत मैंने नहीं मांगा ये सबूत मांगा है हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ वाले ने और इसमें सरकार के आंकड़े हैं इस सरकार के आंकड़ों में आप अपने आप खुद से देख लें कि जिनकी मतलब जो है सर्विसेज में इतना अंतर है कोई एक परसेंट दो परसेंट और बाकी के लोग जो सत्ता में बैठ कर के लोगों के साथ भेदभाव करते रहे तो उस भेदभाव के लिए ही मैंने हमेशा जो भी वक्तव्य कोई दिया वो आंकड़ों पर आधारित ही दिया नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसको पेश इस ढंग से किया जा रहा है कि भाजपा ने अपना एक ओबीसी कार्ड चलाया पहले पहले बात तो मैं ये जानना चाहूंगा कि नायब सैनी आप ही के इलाके से आते हैं तो किस तरह के संबंध है आपके नायब सैनी से क्योंकि आप दोनों भाजपा में रहे मैं कहा भाजपा भाजपा में हूँ नहीं आप रहे हैं ना भाजपा में उस समय नायब सैनी भी भाजपा में मैं था सिर्फ आठ महीने मतलब दो मई दो में सरकार बनी थी और 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और 24 मार्च को हमने बीजेपी के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था अदरवाइज उसके कोई किसी तरह ले लेकिन हकीकत में मैं तो आठ महीने बीजेपी में रहा हूँ मैंने देख लिया कि इतनी नापुंसकता तो मैंने जो है ना शायद उसमें भी नहीं जिसके जिसके घर में रोटी खाने की भी ना हो वो भी कुछ ना कुछ खून खोल जाता है ये तो आप नपुंसता की बात कर रहे हैं लेकिन इसी पार्टी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री तो बना दिया एक चेहरा तो दिया देखिए भाई ऐसे ऐसे गेम तो जो है ना हर पार्टी खेल रही है हम तो हिस्से की बात कर रहे हैं हमें चेहरों की जरूरत नहीं है हमें हिस्से की जरूरत है मैं कह रहा हूँ कि अब तो नैब सैनी भाई मुख्यमंत्री है हमें खुशी अपरम है लगभग लाखों नौकरी बैकवर्ड क्लासेज की बैकलॉग में पड़ी है भाई लोग तो क्यों करेंगे कम से कम अब तो आप मुख्यमंत्री हो फिर भी ना करेंगे कुछ ऊपरले वालों को इशारे से दब करके सिर्फ उनकी ही जीए करते रहेंगे तो फिर हमारे वो लोग जिनके अंदर अपार खुशी आई वो लोग फिर शायद सपना का सपना ही महसूस करेंगे आज बैकवर्ड की लाखों नौकरी बैकलॉक में पड़ी है जिन लोगों जिनको एक परिवार एक रोजगार मैं नहीं कहता कि आप उनको अपने चाहतों को एक ऑर्डिनेंस एक एक रूल लागू करो और सारे अफसरों ने कह दो कि जिस परिवार में अभी तक कोई भी नौकरी नहीं उसका कोई क्लर्क कोई पुलिस वाला कोई पानी पिलाने वाला कोई दफ्तरी कोई चपरासी कोई पीएन कोई ट्यूबवेल चलाने वाला या कोई सड़क के ऊपर मेट सुपरवाइजर इतनी जरूरत है तो आपको लगता है कि नायब सैनी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे मेरे को क्या लगता है पूरे प्रदेश को लग रहा ये तो ये तो ये है कि ऐसे गेम तो जो है ना बीजेपी ने कई प्रदेशों में चला रखे हैं नायब सैनी पे किसका कंट्रोल है भाई जो मुख्यमंत्री खुद होते हुए मुख्यमंत्री में आया चलो ये तो मतलब तो मतलब मतलब आशीर्वाद 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 ही ही समझो ना ना जो है है होता आप दिल्ली गए और आपकी एक तस्वीर आई खड़गे जी बैठे थे राहुल गांधी बैठे थे आपने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस को माफ कीजिए अब भूपेंद्र हुड्डा से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है वो जहां भी हरियाणा में जा रहे हैं कि भाई राजकुमार सैनी का आपने समर्थन ले लिया समर्थन ले लिया और उन्होंने एक जवाब दिया सैनी साहब उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडिया अलायंस को समर्थन किया है लेकिन हमारी कांग्रेस में ऐसे लोगों की जगह नहीं है जो जाति की राजनीति करते हैं की राजनीति मैं कर रहा और आरोप मेरे पर लगा रहे जो खुद कर रहा अगर उसे जाति की राजनीति नहीं करनी तो फिर सब का समावेश करना भाई ये जाति पाती नहीं है अगर विरोध करना किसी के परिवार की पार्टी थोड़ा होती है अगर बीजेपी के ख़िलाफ़ आप लड़ रहे हो तो आप समीकरणिया लड़ाई क्या वो लोग ये हरियाणा के लोग या पूरे देश के लोग इतने इनोसेंट हैं कि गलती किसकी और आरोपी किस पर जा रही है मेरे से यही हमदर्दी तो है लोगों की किसी के एक के आरोप लगाने से मैं आरोपी नहीं हो जाता बस हाँ इतना ज़रूर कहूँगा किसी को आदत होती है शोर मचाने की और कोई खामोशी से सह लेता है हर दुख बड़े से बड़ा नहीं लेकिन समझ तो ये नहीं आ रहा ना लोगों को कि भाई केंद्र में आपने जाके उनके बड़े नेता से मिलकर समर्थन दे दिया अब यहाँ पे जो आदमी सर्वे सर्वा है कांग्रेस पार्टी का वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि ऐसे लोगों की जगह नहीं अब है अब वो उनसे बड़े होकर के बयान दे रहे हैं अब वो तो बहुत जाने वही जवाब दें मैंने या तो कुछ मांगा हो भाई आप अच्छा काम कर रहे हो अगर कोई अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा और बिन बुलाए कोई आदमी उसमें सहयोग कर देता है तो उसकी भी इज्जत है और जो काम करने लग रहा है उसको भी सम्मान मिल रहा है कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने इस बात की सराहना की और अगर कोई जाति पाति की बात का आरोप मुझ पर लग रहा है तो वो तो खुद ही मतलब जो है ना जवाबदार है कि भाई मेरे को आपत्ति क्या है मेरा दोस्त सब पे मुकदमे बने फिर राजकुमार ने बीजेपी की वो को भी छोड़ दिया था तो फिर मेरे पर क्यों नहीं बना अगर मेरा कोई आरोप था या मेरी कोई बयानबाजी गलत थी तो मेरे पर भी केस हो जाते भाई अगर ऐसी कोई बात है तो वो जनता सब जानती है किसी एक के कहने से कुछ नहीं आप मैं देख रहा था आपके लाइव में ना आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ शब्द इस्तेमाल किए हरियाणा में खासकर आपने कहा बाबू बेटा और जाट संघ की पार्टी अगर वो बनाना चाहते हैं इस तरह की शब्दावली आप क्यों इस्तेमाल करते हैं नहीं वो मैसेज ये जो कुछ पत्रकार आप समय मतलब ये दिखा रहे थे पता नहीं उनके मतलब जो नाल में लिखे होंगे मुझे नहीं पता वो ये दिखा रहे थे कि राजकुमार खैनी इतना गिर गया इतनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतना भी मतलब आदमी गिर सकता है अरे भाई मैं कहाँ गिर गया गिर तो तुम गए जो इस तरह की बकवास कर रहे हो जिस आदमी ने समाज के भेदभाव के खिलाफ एक बार ने तीन तीन बार पद को ठोकर मार दी और समाज के बीच में जाके खड़ा हुआ हो उसे तुम राजनीति में राजनीतिक बताएंगे तब मुझे चोट लगी इस बात की तब मैंने उनको कि आप इसको क्या मतलब है ना एक परिवार की पार्टी बनाना चाहते हो मैंने उन पत्रकारों को टोका था ना कि बापू बेटे को कि क्या तुम एक परिवार की पार्टी बनाना चाहते हो यही साबित करना चाहते हो आप इसको क्या और लोग इसमें ना आए इतनी बात अच्छा आपने ओपोजिशन इंडिया अलायंस को समर्थन किया लेकिन हरियाणा में तो मेन ओपोजिशन कांग्रेस ही है इस वक्त तो ठीक काम कर रही है कांग्रेस आपको लगता है देखिए भाई राहुल गांधी जी ने मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र और कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बात कही आप भी ओ बी सी भाई हो और मुझे लगता है आपकी टीम में कहीं इसी नेचर के लोग हैं हो सका आप इस चैनल में आए हों तो बेरोजगारी की वजह से ही आए हों भाई कहीं ना कहीं चल दो पैसे का सहारा बने परिवार का बने मेरा मकसद मैं उन लोगों की आवाज़ हूँ जो हमारे में से लीडर बड़े दलों में जा कर के मोख बधिर बन कर के जी हजूरी करते रहे और अपने लोगों के हकों के खिलाफ एक शब्द बोल नहीं सके वो तो छः सात सात बार मंत्री एमपी, एमएलए सब कुछ बने बस मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम कहाँ हैं ये कैसे है ये आरटीआई? आप क्या कर रहे हो ये बावन वाले पचपन वाले ग्यारह परसेंट में यानी ग्यारह पंजे पचपन पांचवा हिस्सा मिला इनको और लोग पांच गुणा ले गए आप क्या कर रहे हो ये जब मैं बात टोकता हूं बस तभी तो जाति पतिवादी हो जाता हूँ क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे भाई वो कैसे बर्दाश्त करने बात को? अच्छा लेकिन हरियाणा में जैसे ओबीसी समाज से कई बड़े नेता हैं अलग अलग दलों में अगर मैं भाजपा की बात करूं या कांग्रेस की भी बात करूं जैसे राव इंद्रजीत सिंह हैं कृष्णपाल पाल गुजर है इधर कंवरपाल पाल गुजर है और भी सैनी समाज से भी कई नेता आते हैं और अब तो मुख्यमंत्री है तो आपने राजनीति में रहे हो इन सभी नेताओं से कभी आपने कोई बैठ के चर्चा करी होगी भाई जो मुहिम मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि है तो सभी उसी समाज का हिस्सा मैंने इस पूरे देश में राजनीतिक दलों के शिकार लगभग फूले आज हम माता भाई बाई महात्मा ज्योतिबा भूले को नमन करते हुए आपके बीच में बात कहना चाहेंगे के हजारों हजारों साल से ये समाज गुलाम रहा शिक्षा का अधिकार इन्हें था नहीं संपत्ति का अधिकार था नहीं एक शख्स ने इनको शिक्षा का अधिकार दिया एक शख्स ने अंबेडकर जी ने इनको बोट और संपत्ति का अधिकार दिया इन अधिकारों के उपरांत भी ये आज भी वही है इन लोगों से एक बार नहीं कम से कम चार बार तो मैं राव इंद्रजीत के पास गया कि भाई चलिए आप लड़ाई हम सारे आपके पीछे लगते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर आप कम से कम सारे देश में नहीं एक स्टेट में तो आप इंसाफ करा ही सकते हो बोले भाई अब मेरी संघर्ष करने की मंशा नहीं है मैं तो आराम करने हैं जो मतलब जो है थाली में परोस के मिले बस उसे छकेंगे अब कुछ लोग होते हैं जो इंसाफ के लिए लड़ते रहते हैं आज जो अम्बेडकर क्राइजर जर विचारधारा के लगभग सौ दल मेरे टच में हैं पूरे देश के उनको मैं कांग्रेस का समर्थन बिना कंडीशन बिना शर्त समर्थन कराऊंगा कि एक पार्टी ने मुद्दा उठाया है कि हम सामाजिक न्याय करेंगे भेदभाव खत्म करेंगे और सामाजिक न्याय में उन लोगों को जो पीछे रह गए उन लोगों का हिस्सा सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन देख लिया ना, अलग -अलग नेताओं के साथ काम करके। हो सकता है, है इंडिया लाइन भी कल को आपके साथ उसी तरह के सलूक करे तो अपन कौन सा किसी के पास रजिस्ट्री करवागा जा रहे हैं यहीं रहेंगे फिर लड़ाई लड़ेंगे अगर कोई नहीं करेगा तो जो इतनी देर कांग्रेस ने इतना बड़ा मतलब पर राज किया एक छतर उसको कैप्चर बीजेपी ने मतलब धार्मिक मुद्दों के माध्यम से कर लिया लोगों को बहका के कर लिया अब अगर कोई बहकाएगा तो कि अब ज्यादा लंबा कोई भी नहीं चल पाएगा बीजेपी भी नहीं चल पाएगी बीजेपी भी आपके सामने ओबीसी को कैप्चर करने के लिए राजकुमार श्रेणी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री तक पहले प्रदेश अध्यक्ष फिर मुख्यमंत्री तक की जब मूवमेंट पे आ गई है तो सभी को अब देखिए संविधान लागू करना पड़ेगा जहाँ कोई भी पार्टी है मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहेगा हमारा मकसद है सामाजिक सौहार्द सामाजिक न्याय और आज कांग्रेस ईमानदारी से राहुल एक सौ फीसदी कल्चर को चेंज करके बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं इसलिए हमें लगा कि भाई अगर अब भी हम अलग अलग खड़े होकर अलग अलग मंचों से लड़ाई लड़ेंगे तो फिर ठगी करने वाले जो इमोशनल कार्ड धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि इस देश में रास्ता उन्ती का शिक्षा है और लूट का धर्म है धर्म के नाम से लूटने का देश को जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है उनको सत्ता से बाहर करके देश को संविधानिक तौर पे आगे चलाने के लिए हमने ये समर्थन दिया ना कि किसी स्वार्थ के वसीबूत के मेरे को हरियाणा में ये लोग टिकट देंगे नहीं देंगे मैंने तो कल भी एक दो चैनलों पे बैठ के कहा आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ भाई मैं किसी टिकट के स्वार्थ में नहीं गया बहुत सारे लोगों ने चलाई भी एक दो पोस्ट के सोनीपत से मैं कांग्रेस के लेंथ में चुनाव लड़ूंगा वो कहेंगे लड़ने के लिए तो लड़ूंगा कहूं के भाई कंट्रोवर्शियल बन गए मारा मारी करके मैं लड़ूंगा भाई मैं तो मिली हो ही छोड़ दी नवी लड़का मैं क्या लैदा कर दूंगा लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है सैनी साहब कि आपको खड़गे जी के पास राहुल गांधी जी के पास लेकर कौन गया और बहुत से लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका पर इसमें सवाल उठा रहे हैं कि उनकी भूमिका इसमें है नहीं है मतलब ये रास्ता कैसे खुला कैसे गए आप वहां विचार उड़ा विचार उड़ा विचार इतना बड़ा है विचार इतना बड़ा है अगर आपको यह सही बात बोल रहे हो आप अंधेरी कोठड़ी में बैठे हो सात दरवाजे बंद करके विचार वहां भी चला जाता है तो विचार गया हड्डा साहब का को कोई रोल नहीं इसमें इसमें हुडा साहब का रोल नहीं है विचार का रोल है लेकिन अब आप जब साथ चले गए तो हड्डा साहब से आपको तालमेल तो बैठाना पड़ेगा ना देखिए भाई अगर राजनीतिक भूख रखूंगा तो बिठाना पड़ेगा अगर राजनीतिक भूख नहीं रखूंगा तो वो जो ज़्यादा भूख में है वो बिठाते रहेंगे लेकिन आप कह रहे हैं कि राजनीतिक भूख नहीं है फिर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का क्या होगा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सिर्फ ये है कि मैं साधु बन के तो इंसाफ नहीं दिला सकता लोगों को लड़ाऊंगा इस मंच से आज अगर समर्थन दिया है अगर कुछ लोगों को आज मैं लोकसभा में तो अभी अभी समर्थन दिया मैं अभी प्रस्ताव नहीं रखूंगा विधानसभा में सवाल रखेंगे भाई हमने भी अपने लोगों के लिए जगह चाहिए सीट चाहिए तो विधानसभा तो विधानसभा में टिकट मांगेंगे आप कांग्रेस अगर ये बना रहा तो मांगेंगे नहीं अच्छा। लड़ाएंगे आप खुद लड़ेंगे मैं भी लड़ूंगा कहाँ से लड़ने की इच्छा आपकी मेरे लिए तो मेरी पार्टी में सारा हरियाणा है और मैं कहीं से भी लड़ लू मैं तो पीछे तैयारी कर रखी थी लाडुआ से और लोग पकड़ गए जिस दिन नॉमिनेशन करना उससे तीन दिन पहले गुहाने वाले ले आए भाई किसी में लड़ने की हिम्मत नहीं है वहां तो आप ही को लड़ना पड़ेगा मैं वहां देकर यहां पर्चा भर दिया ऐसा कुछ नहीं मैं महज इतफाक जब मैं गांव में सरपंच बना तो दूसरे गांव का जाकर बना और जब ब्लॉक समिति लड़ा तो मेरी पंचायत की कोई वोट मैंने नहीं मांगी मैंने हिस्से में अपने चार आदमी और खड़े किए थे चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए उनको दिलवाई और आप बाहर से वोट लिए जब जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा तो मेरा वार्ड जिसमें मेरा गांव पड़ता था वो रिजर्व हो गया मैं जाके दूसरे वार्डों में लड़ा और जब मैं विधायक के लिए लड़ा तो सिडोरा सिढ़ोरा से रिजर्व थी तो मुझे जाके नरेंद्रगढ़ लड़ना पड़ा जब एम लड़े तो जाके अम्बाड़ा से रिजर्व थी तो जाके कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ा और जब पुणे अपनी पार्टी बनाई तो आके

कांग्रेस ने राजकुमार सैनी के उस विचार को जिसमें मैंने कहा कि सभी को जातीय समीकरण साधने पड़ेंगे जिसके विरोध में इधर से आवाज़ आई कि हम जाति पाति की राजनीति नहीं करते तो जातियाँ पातियां तो सब जोड़नी पड़ेंगी अगर अपनी राजनीति करते हैं जाति पाति की राजनीति कह रहे नहीं करते तो देन फिर बहुत मुश्किल है पार पड़ना इसलिए जो समीकरण बीजेपी भी साथ रही है वो बड़े बड़े धुरंधरों को चाहे उसमें सुंदरा थी चाहे उसमें शिवराज चौहान था बीस साल वाला और चाहे उसमें कोई भी ए बी सी था उन्होंने एक एक मिनट लगाया और नए नए कार्यकर्ता लागे खड़े कर दिए क्योंकि जहाँ जहाँ मतलब जो है ना एंटी इनकम्पेंसी पैदा होती रहती है रणनीतिकार उस रणनीति के मुताबिक लोगों को घेरते रहते हैं अभी मुझे लगता है यहां पर रणनीति बनाने वाले उस एंगल से रणनीति बनाने के पक्ष में अभी नहीं है जिस रणनीति की जरूरत है हमारे मतलब इस मुद्दे के लिए कि जब तक ओबीसी को साथ नहीं लिया जाएगा तब तक लोकसभा नहीं आएगी या लोकसभा नहीं आएगी तो भी फिर आएंगे लेकिन तो। जैसे आपका नाम जब जुड़ा है जैसे इंडिया लाइन्स के साथ और अब तो क्योंकि कांग्रेस भी उसका हिस्सा है तो आप हरियाणा में भी कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो एक ये मैसेज जा रहा है और एक ये डर हो गया शायद मुझे लगता है कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है आज के दिन में एक बड़ा जाट चेहरा है वो हरियाणा में और बड़ा वोट बैंक भी उनके साथ इकट्ठा आ सकता है जाट समाज का तो उनके साथ जब आप जाओगे तो हो सकता है कि उनको ये लग रहा होगा भाई राजकुमार सैनी का पिछला इतिहास जिस तरीके का रहा है या उनके बारे में जो बातें कही गई हैं उससे कहीं मेरे को नुकसान ना हो जाए तो वो क्यों आपको अपने जगह देंगे रणनीति में तमाम चीजों तो हम कब कि हमें जगह दे लेकिन विधानसभा में तो कर ले कर ले कर ले भाई जो भी करना हम, मतलब अपना रास्ता मेरी तो अपनी पार्टी है मैंने कौन सा विलय कर दिया हम अपना रास्ता हमारी तो अपने ये है कि भाई हम अच्छे काम के लिए आए हैं सपोर्ट करने के लिए लगेगा कोई सपोर्ट लेगा विरोध करेगा तो उसका काम है मैं तो विरोध कर नहीं रहा ना पहले किया ना अब कर रहा हूँ मेरा मकसद है सामाजिक सौहार्द का भाषणों से नहीं हकीकत में और हकीकत में अगर सामाजिक सौहार्द की बात है तो ये रिकॉर्ड पड़ा है मैं मतलब जो है ना जबानी सौहार्द की बात नहीं करता उन पेट पुजारियों की भी बात नहीं करता जो हमारे बीच में से एम पी तो बने लेकिन समाज को बीच चौराहे पर छोड़ के और अपने परिवारों के लिए ठगी करते रहे तो राजकुमार सैनी हमारे साथ थे और बहुत लंबी बातचीत हमारी हुई है और इन्होंने साफ कहा है कि इन्होंने कोई अपनी पार्टी का विलय नहीं किया है और इन्होंने एक समर्थन दिया है साथ ही कह रहे हैं कि समर्थन मैंने इसलिए दिया है कि राहुल गांधी जिस तरह की बात अब कर रहे हैं पूरे सिस्टम के अगेंस्ट जाके वो जातिगत जनगणना की बात हो या हिस्सेदारी की बात हो पिछड़े समाज की उससे प्रभावित तो होकर उस विचार से प्रभावित तो होकर इन्होंने इंडिया अलायंस को अपना समर्थन दिया है लेकिन आने वाले प्रदेश के चुनाव में क्योंकि हरियाणा से ही आते हैं इनकी अपनी भी पार्टी है उस चुनाव में फिलहाल के लोकसभा चुनाव में और जो कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें राजकुमार सैनी की क्या भूमिका रहेगी ये क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कह रहे हैं कि मैं तो नहीं चाहता लेकिन ऊपर से आदेश आया तो मैं लड़ सकता हूं और विधानसभा की इन्होंने साफ बात कही है कि भाई हम जो है अगर साथ रहे तो टिकटें मांगेंगे अदरवाइज हमारी खुद की पार्टी है हम चुनाव जरूर लड़ेंगे तो देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस मुद्दे के साथ जिस मुहिम के साथ राजकुमार सैनी चल रहे हैं वो कितना नजर आती है कांग्रेस की कार्यशैली में हरियाणा में और कितना उसको फायदा होगा साथ ही बीजेपी ने जो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर अपना नया कार्ड चला है जैसा कि राजकुमार सैनी कह रहे हैं कि उनको धराशाई करने के लिए उनको रोकने के लिए ये परपंच रचा गया है तो वो बीजेपी के काम आएगा या फिर उस परपंच को राजकुमार सैनी ध्वस्त कर पाएंगे ये तमाम सवाल है जिनके जवाब हम जो है आपको देंगे और वो क्लियर हो जाएंगे कि इस बार के चुनावी नतीजों में किसको कितना समर्थन मिल रहा है जो दो बार से बैकवर्ड समाज भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है क्या वो उनसे छिटकेगा या फिर एक बार फिर से भाजपा का ही समर्थन करेगा आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और साथ ही राजकुमार सैनी जी ने जो बातें कही हैं आप उन पर क्या राय रखते हैं या फिर आपके भविष्य में इनसे कोई सवाल है तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं ताकि आने वाले समय में हम जब भी इनसे बात करें तो इनसे दोबारा से वो सवाल लेंगे सैनी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार